हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है वो है कॉन्टिन्यूटी। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, और किस पर चेक करनी है? पक्की बात, जीरो पे ही चेक करनी है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। अब मॉड फंक्शन है तो चलिए बताता हूं कि कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को अगर कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसमें निकालेंगे LHL, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर आप निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। और अगर दोनों लिमिट बराबर आ जाती है तो यस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मान लीजिए नहीं आती है तो नहीं है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इन स्टेप्स को रट्टा लगा सकते हो, किसी भी तरह का कंटिन्यूअस प्रूफ करने का क्वेश्चन आ जाए, आप एज इट इज सेम स्टेप लिखोगे, आंसर हमेशा 100% आ जाएगा। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कितना ही टफ क्वेश्चन हो, अगर आप ये स्टेप्स में अभी जो लिखने वाला हो उन्हें आप बिल्कुल ढंग से रट्टा लगा लें तो फिर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, LHL। LHL का प्रेजेंटेशन क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि जीरो पे चेक करना है। माइनस, ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि आप LHL सॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि जब मैं RHL सॉल्व करूंगा तो पक्की बात जीरो प्लस लिखूंगा। ठीक है, FX, इसके बाद हमेशा याद रखना हम जीरो पे चेक करें, वन पे चेक करें, पाई पे चेक करें, पाई बाय टू पे चेक करें, किसी पे भी चेक करें, यहां जीरो से कोई मतलब नहीं है, चेक किसी पे भी कर सकते हैं। मुझे अगला स्टेप क्या लिखना है, मुझे अगला स्टेप लिखना है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ लिमिट जिस पर चेक कर रहे हैं माइनस एच। ध्यान रखो अगर लिमिट मुझे पाई पर चेक कर रहा होता तो मैं यहां फिर भी एच टेंड्स टू जीरो लिखता और यहां लिखता जिस पर चेक कर रहे हैं, मतलब पाई माइनस एच। वन पे चेक कर रहा होता तो वन माइनस एच, टू पे चेक कर रहा होता तो टू माइनस एच, जीरो पे चेक कर रहा हूं इसलिए जीरो माइनस एच। ध्यान रखेगा ये जीरो हमेशा यहां नहीं आता है, जिस पर चेक कर रहे होते हैं वो नंबर और माइनस एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब आपको अपना फंक्शन लेना है कि कौन सा फंक्शन उठा के यहां रखना है, ये वाला फंक्शन रखना है या ये दूसरे वाला फंक्शन रखना है। लेकिन ध्यान से देखो, इस जीरो को तो तभी यूज कर सकते हो जब फंक्शन जीरो के बराबर हो जाए। आप क्या कह रहे हो, जीरो से छोटा, RHL सॉल्व करोगे तो जीरो से बड़ा क्योंकि जीरो प्लस लिखोगे वहां पर, तो जीरो माइनस हो या जीरो प्लस हो दोनों ही केस में x जीरो के बराबर नहीं है, और x जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो तभी यूज हो सकता है जब x जीरो के बराबर हो। और ऊपर देखना क्या लिखा है कि x जीरो के बराबर नहीं है, बड़ा हो या छोटा हो दोनों केस में यही फंक्शन यूज करना है। तो पक्की बात है फंक्शन आप उठा के ये वाला रख दो। लेकिन अब प्रॉब्लम है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन का जो x है भाई एफ एक्स था ना, वो चेंज हो चुका है जीरो माइनस एच में। तो फंक्शन में जहां जहां आपको x दिख रहा हो वहां पुट कर दीजिएगा जीरो माइनस एच। तो चलिए पुट करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं मॉड x, x नहीं जीरो माइनस एच होल अपॉन x, लेकिन सिंपल क्या लिखेंगे जीरो माइनस एच, लेकिन जो आपका मॉड है वो सिर्फ न्यूमरेटर में लगा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करिए इसे जरा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये एक्चुअल में लिखा क्या है, ये लिखा है मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन ब्रैकेट ऑफ माइनस एच। नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ माइनस एच, भाई मॉड के अंदर से कोई टर्म बाहर आएगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां आ गया एच, लेकिन नीचे का माइनस एज इट इज रहेगा, एच से एच चला गया तो कितना वैल्यू आ गया आपके LHL का, LHL का वैल्यू आ गया माइनस वन। चलिए RHL सॉल्व करते हैं, RHL कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं, LHL के लिए माइनस था तो RHL के लिए प्लस हो जाएगा। मैंने शुरू में कहा आप इस तरीके को, पैटर्न को रट्टा लगा लीजिए, हर क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा। ठीक है, fx, लेकिन मैंने अभी क्या कहा था, यहां जीरो से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी लिमिट वहां गिवन हो मुझे हमेशा x टेंड्स टू जीरो ही लिखना है। और यहां पर क्या लिखूंगा, f, ये वाली लिमिट, और क्योंकि RHL सॉल्व कर रहा हूं तो प्लस h। देखो LHL सॉल्व कर रहा था तो जीरो माइनस एच, RHL कर रहा हूं तो जीरो प्लस एच। ठीक, नेक्स्ट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब मुझे फंक्शन कॉपी करना है। अभी शुरू में बता दिया मैंने आपको कि ये वाला वैल्यू तो यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब बड़ा हो या जीरो से छोटा हो दोनों केस में यही फंक्शन यूज होगा। तो इस फंक्शन को उठा के यहां रख दीजिए। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का जो एक्स है अब वो चेंज हो चुका है जीरो प्लस एच में, तो जहां जहां क्वेश्चन में x दिख रहा हो वहां जीरो प्लस एच डाल दीजिए। तो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन
जीरो प्लस है, बस अंतर इतना है कि ऊपर मॉड लगा हुआ है और नीचे विदाउट मॉड है, या ब्रैकेट समझ सकते हो। लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसे क्या ले सकते हैं, मॉड ऑफ एच अपॉन एच। अब मॉड ऑफ एच तो एच ही होता है, क्योंकि मॉड का मेन मकसद तो सिर्फ नेगेटिव साइन हटाना होता है। अब नेगेटिव साइन यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अगला स्टेप क्या आ गया डायरेक्टली अपने आप, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, एंड व्हाट इज एच अपॉन एच, दैट इज इक्वल टू 1। तो आर एच आया 1, एल एच चलता है माइनस 1, तो क्या मैच कर गया, नहीं मैच किया। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, सिंस एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, हेंस द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।